Assalamu alaikum. Okay, Jito, in this part, I'm going to tell you about the broad ligament, which is very, very, very important ligament. है आपका जो असल में एक peritoneum का fold है, लेकिन इसको attachments क्या क्या इससे बनते हैं, इससे जो structures बनते हैं, mesoscalping, ovarium वगैरह, वो सब बहुत important है. वाइवा में लाजमी पूछते हैं broad ligament के बारे में, क्योंकि बहुत सारों को इसका structure और इसकी location वगैरह समझ ही नहीं आती. अब आपने सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊँगी, आपने सही तरह से समझ लेना है. ओके जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आपको मैंने बताया था जिस तरह पहले भी कि सर्जिकल सेक्शन लिया हुआ है पेल्विस कैविटी ऑफ फीमेल से. फीमेल में जब हमने लिया तो ये आगे यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये पीछे आए सारा का सारा यूट्रस पड़ा हुआ है, और ये यूट्रस ऐसे कर्व होकर जा रहा है वजाइना में, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये रेक्टम और फिर एनल कैनाल बन के ये एनल ओपनिंग है, पीछे उसके कॉक्सिक्स बोन पड़ी हुई है. ठीक है जी, तो ये आपकी पेल्विस की है. अब इसे पेरिटोनियम किस तरह लाइन करती है, पेरिटोनियम ऊपर से आती है, जनरल अभी मैं बता रही हूँ, मैं ब्रॉड लिगामेंट की बात नहीं कर रही. पेरिटोनियम इधर आती है, सुपीरियर सर्फेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करती है, ऑलमोस्ट यहाँ तक यूट्रस को लाइन करती है, सर्विक्स से ऊपर ऊपर ये सर्विक्स. अच्छा, यूट्रस में ये जो आपको नजर आ रही है ना स्ट्रेट सी स्लिट, इधर तक ये आपका मेन यूट्रस का पोर्शन है. उसके बाद ये जो हल्की सी डायलेटेशन आपको नज़र आ रही है ना हो रही है, ये सर्विक्स यहाँ से शुरू हो जाती है. अभी मैं डिटेल में यूट्रस वाली वीडियो में बताऊँगी. सो यहाँ पर तक आती है हमारे पास पेरिटोनियम यूट्रस तक, सर्विक्स से वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर से यूट्रस को लाइन करने लग जाती है, फिर यूट्रस की पोस्टीरियर सर्फेस सारी को लाइन करती है, और फिर से यहाँ पर यूट्रस की बॉडी तक ही आती है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके वो रेक्टम और एनल कैनाल की तरफ चली जाती है ऐसे करके. ठीक है, एनल कैनाल पे तो खैर जाएगी नहीं, मेरे ख्याल है वो तो पेरिटोनियल कैविटी उस पर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टम तक जाती है. ठीक है जी, ये होगी आपकी पेरिटोनियम की इधर की लाइनिंग. अब ऑफकोर्स ये बात है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर्स के ऊपर किस तरह से लाइन करिए, लेकिन वो पूरी की पूरी कैविटी में लाइन करिए होगी. सपोज मतलब अगर हम इस सेक्शन में देखें इसको, ये तो मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्लैडर के ऊपर थी, फिर ये यूट्रस के ऊपर, और फिर ये रेक्टम के ऊपर. अब ये इस तरह सिर्फ इस जगह पर तो नहीं होगी, ये पूरी इस कैविटी में होगी, मतलब यहाँ से वो आएगी. अगर मैं इधर से ऐसे दिखाऊँ आपको कि यहाँ से वो आएगी, फिर पूरे ब्लैडर को इस तरह से आएगी, पूरे ब्लैडर को लाइन करेगी, लैटरली भी लैटरल पेल्विक वॉल से अटैच होगी यहाँ पर और यहाँ पर, उसके बाद वो यूट्रस को लाइन करेगी, फिर लैटरल पेल्विक वॉल के साथ अटैच होगी, फिर रेक्टम पे इनक्लोज, मतलब लैटरली तक वो हर चीज़ को इनक्लोज कर रही है. अब लैटरल पेल्विक वॉल के साथ ओवरीज भी चिपकी हुई है, इसका मतलब ये कि जब ये यूट्रस को लाइन करेगी तो ये राइट और लेफ्ट साइड पे ओवरीज वगैरह को भी लाइन करेगी. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बेसिकली इसकी अटैचमेंट होनी है ब्रॉड लिगामेंट की बाय दिस. ओके जी, सबसे पहले तो बात तो आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बट बिकॉज मेरे पास और इक्विपमेंट नहीं है, और ये बेस्ट समझाने का तरीका है, और कोई समझ नहीं मुझे आ रहा था. सो अब आपने एग्जांपल क्या लेनी है, सपोज दिस इज़ द यूट्रस. ठीक है, ये आपका यूट्रस पड़ा हुआ है, ये आपकी पड़ी हुई है दोनों ओवरीज. ठीक है, जो लैटरल पेल्विक वॉल के साथ जुड़ी हुई है, ये यूट्रस के थोड़ा सा पोस्टीरियरली पड़ी हुई होती है. ठीक है, यूट्रस अगर यहाँ पर है तो ये ओवरीज यहाँ पर होंगी, एंड जस्ट इमेजिन कि यहाँ से एक यूट्राइन ट्यूब निकल रही है. एक सेकेंड मैं फोकस ठीक कर लूँ फिर बताती हूँ. यस, अब आप इमेजिन करें कि एक यूट्राइन ट्यूब यहाँ से निकल रही है एंड इट इज़ गोइंग टू द दिस ओवरी, दूसरी यूट्राइन ट्यूब इधर सुप्रोलैटरल कॉर्नर से निकल रही है एंड इज़ गोइंग टू दिस ओवरी. ठीक हो गया, ये यूट्रस की इंटीरियर सरफेस है और ये यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस है. यहाँ पर यूट्रस के आगे पड़ा हुआ होगा ब्लैडर, और यहाँ पर यूट्रस के पीछे पड़ा हुआ होगा रेक्टम एंड एनल कैनाल का पोर्शन. अब जब आएगी पेरिटोनियम, अब जस्ट ठीक है मैं किस तरह से पेरिटोनियम की लाइनिंग आपको बताती हूँ. ठीक है जी, पेरिटोनियम आएगी सबसे पहले एक जस्ट लाइक दिस. यूँ पेरिटोनियम आई, इसने सबसे पहले यहाँ ऊपर से ब्लैडर को लाइन करी थी. ठीक है, यहाँ पर आगे ब्लैडर पड़ा था, ब्लैडर को लाइन करी थी, फिर वो नीचे आ गई. नीचे आ गई तो वो इस तरह से यूट्रस तक आई, यूट्रस के सर्विक्स वाले पोर्शन से ऊपर ऊपर. ठीक है, यूट्रस की इंटीरियर वॉल सारी को लाइन किया उसने, यहाँ इंटीरियर वॉल सारी को बल्कि इस तरह से बताती लाइन किया, और साइड्स पर ये जगह भी लाइन हो रही हैं. ठीक है, जिनमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ. फिर ये ऐसे पोस्टीरियरली टर्न की जब ये यहाँ तक पहुँचेगी तो इसे मिला, साइड पर भी है जाहिर है, सिर्फ यूट्रस वाली जगह पर तो नहीं है, इधर भी है और इधर भी है पेरिटोनियम. तो अब पेरिटोनियम को नज़र आया कि आगे ओवरीज पड़ी हुई हैं यहाँ पर. फिर इसने क्या किया, ये ओवरीज की ऐसे पीछे से गुजर के नहीं चलेगी नीचे, बल्कि इसने क्या किया, यहाँ पर आएगी, जब ये ओवरीज वाली जगह पे पहुँचेगी, अब सी ये ओवरीज वाली जगह है, ये ओवरीज के ऑलमोस्ट आप कह लें कि ये जो ये वाली जगह होगी. ठीक है, इस जगह पर ये ओवरीज की इस जगह पहुँचेगी, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी इस तरह से ओवरीज के आगे से, ओवरी के आगे से गुजर, जिधर मेरी ये उंगली जा रही है ना उधर उधर जाना है. ठीक है, इसने ये इधर से आई, ओवरी तक पहुंची, ओवरी पे इस जगह आके रुक गई इस जगह पर, फिर ये ओवरी की इंटीरियर सरफेस पे चलेगी इस तरह से, फिर इसने ओवरी को पूरा नीचे तक से लाइन किया, नीचे से भी जिधर से मैंने उंगली गुजारी है लाइन करके ऐसे आई, और फिर ये पोस्टीरियरली उसी जगह पर आके रुकी जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ पर आके रुक गई, और उसके बाद फिर इसने दोबारा से, एक सेकेंड ये तो रुक जाए यार, यहाँ पर आके रुक गई, और इसके बाद इसने दोबारा से फिर नीचे एक्सटेंड करना शुरू कर दिया जब तक यूट्रस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो यूट्रस है ना, यूट्रस में
पोस्टीरियरली और इस जगह पर ओवरीज होती हैं, ठीक है, इस लेवल पे होती हैं, इतनी नीचे नहीं होती हैं, तो मुझे रखना था इसलिए मुझे नीचे ही बनाना पड़ा। इस लेवल पे ओवरीज पड़ी भी होती हैं, जब ये ओवरी को लाइन कर लेते हैं फिर ये नीचे यूट्रस के पीछे सर्विक्स तक दोबारा लाइन करते हैं, फिर ये रेक्टम इनल कैनाल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रॉड लिगामेंट, ये आपने याद रखना है किस तरह से ये सारा जो अब एरिया बनता है, जो यूट्रस से शुरू हुआ था, जो पीछे आया था, जिसने ओवरी पे पहले यहाँ पर आके रुका था, फिर एंटीरियरली मूव कर गया था, फिर नीचे मूव किया उसके, फिर पोस्टीरियरली ओवरी को लाइन किया और फिर बैक साइड ऑफ यूट्रस बाकी को लाइन कर गया, ये सारा जो पोर्शन ऑफ पेरिटोनियम के है इसको हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रॉड लिगामेंट, इसकी अटैचमेंट अगर आपको नहीं समझ आई तो डू आस्क मी आई एक्सप्लेन अगेन, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, आगे से आके पीछे आएगा, पीछे आके ओवरी की सरफेस पे लुकेगा, अब ये ओवरी के इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ओवरी के आगे मूव कर जाएगा, फिर पीछे आएगा पूरा राउंड सर्कल लेकर और फिर नीचे जाएगा, ऐसे करके पेरिटोनियम से लाइन करती है, ये ब्रॉड लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मैं इसको बताती हूँ कि इसके क्या क्या पोर्शंस और क्या क्या पार्ट्स बनते हैं।